महोबा के एक परीक्षा केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेपर लीक होने की अफवाह से केंद्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ अराजक तत्वों द्वारा पेपर लीक होने की अफवाह की सूचना पर एसटीएम सीओ सिटी सहित कोतवाली पुलिस ने परीक्षा केंद्र पहुंचकर मामले की जांच की तो पेपर लीक की बात अफवाह निकली। इस दौरान परीक्षा दे रहे छात्र छात्रा एक और परेशान दिखे तो वहीं दूसरी ओर एसडीएम ने पेपर लीक होने की अफवाह फैलाने वाले की जाँच के निर्देश दिए हैं। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की सर्विलांस और साइबर टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 9 लोगों को, जिसमें एक महिला भी शामिल है, गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस अफसर बनकर भोले भाले लोगों को ठगा। पुलिस ने उनके पास से ठगी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पकड़े गए गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए, कानपुर कमिश्नरेट के थाना कल्याणपुर और पश्चिमी जोन की साइबर टीम, सर्विलांस टीम और स्वाट टीम ने मिल करके एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इसमें आम जन को ठगने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 9 लोग हैं, इसमें एक महिला भी है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोगों को फ़ोन करके डराते धमकाते थे कि तुम कौन वीडियो देख रहे हो और हम CBI से बोल रहे हैं, हम पुलिस के इंस्पेक्टर बोल रहे हैं, पुलिस का नाम लेकर डराते धमकाते थे और उनसे पैसा अपने खातों में डलवाते थे। सावन माह के मौके पर महादेव के भक्तों ने कांवड़ यात्रा की, जिसमें गंगा जल भरकर जलाभिषेक किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और बाबा सिद्धनाथ अमरनाथ सेवा मंडल ने सरसिया घाट से जजमाऊ सिद्धनाथ घाट तक कांवड़ यात्रा आयोजित की। 5 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालुओं ने सरसिया घाट पर गंगा स्नान कर कांवड़ में जल भरकर जजमाऊ सिद्धनाथ घाट के लिए प्रस्थान किया। अभी आज जो है कानपुर महानगर में ये कांवड़ यात्रा निकलनी है। सरसिया घाट पर हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ से कांवड़ लेकर के हमारे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सिद्धनाथ मंदिर तक जाएंगे, महादेव को वहाँ पर अर्पित करेंगे। भारतीय संस्कृति का ये एक महान पर्व है जिसमें सरोकार होने के लिए, शामिल होने के लिए हमारे सब कार्यकर्ता आज जुटे हुए हैं। कानपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल ने दिवंगत सांसद फूलन देवी के जन्मदिन के अवसर पर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगामी 2027 के चुनाव में योगी जी सत्ता से बाहर हो रहे हैं और अखिलेश जी फिर से सत्ता में आ रहे हैं। सपा के सत्ता में आने के बाद दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के दिन बदलेंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जनता खुशहाल रहेगी। उन्नाव में एक युवक को खेत में दवा डालने के दौरान बेखौफ दबंगों ने पेड़ से बांध कर बेरहमी से पीटा। 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित युवक ने IG जोन लखनऊ से शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की है। कासगंज के गंज डुडवारा CHC पर प्रसव के बाद एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। महिला ने बेटे को जन्म दिया लेकिन जिला अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। CMO राजीव अग्रवाल ने CHC अधीक्षक और 3 महिला स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबन के आदेश दिए हैं। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए 5 घंटे से CHC स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बताया था ना मैंने कि इसमें जो जिस तरह से रिकॉर्ड्स हैं उसमें ये दिखाया गया खून की कमी और ज्यादा ब्लड आ जाने के कारण महिला की मौत हुई, ठीक है। और उसकी जांच अब जो असली बात है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा क्लियर था कि क्या कारण था। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने के तुल्हेड़ी जंगलों में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पैर में गोली लग गई और एक शातिर बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश अलीशेर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 1 कार, 2 तमंचे, चोरी के उपकरण बरामद किए हैं। 3 बदमाशों पर लूट और चोरी के 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। ललितपुर में हाईवे पर आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने एक कार सवार युवक के साथ जमकर मारपीट की और कार के शीशे तोड़ दिए। पीड़ित युवक ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। आरोप लगाया कि दबंगों ने पैसे, सोने की चेन, अंगूठी और गाड़ी की चाबी लूट ली। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदेरा महिंद्रा शोरूम नेशनल हाईवे 44 का है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। श्रावस्त्री में केंद्र सरकार द्वारा संचालित फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अगस्त 2024 उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यालय स्थित सभागार में विधायक रामफेरन पांडे, विधायक इंद्राणी वर्मा, DM, SP फाइलेरिया और अबेडाजोल की दवा का सेवन करने का उद्घाटन किया। इस दौरान जिला मलेरिया अधिकारी आलोक कुमार ने फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। DM ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर घर जाकर फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के पूर्व ही हम 10 अगस्त से पूरे
प्रदेश में के 27 जनपदों में फाइलेरिया से मुक्त होने का एक महाअभियान चला रहे हैं। मेरी जनपद के हर उस व्यक्ति से जो 2 साल के ऊपर का है फाइलेरिया की ड्रग जिसे हम DEC कहते हैं लेने का आग्रह करता हूं, ताकि समाज इस महामारी से हाथी पांव से मुक्त हो सके। श्रावस्ती में DM अजय द्विवेदी के निर्देशन में गिल्लौला कस्बे में अवैध मेडिकल स्टोर और नर्सिंग होम पर छापेमारी की गई। SDM इकोना की मौजूदगी में CSC अधीक्षक ने कार्रवाई की। अवैध मेडिकल स्टोर संचालक फरार हो गया और उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। संतोष पॉलीक्लिनिक और अवंतिका डायग्नोसिस सेंटर को सील कर दिया गया है। छापेमारी के दौरान गर्भवती महिलाएं अवैध पॉलीक्लिनिक में भर्ती मिली, जिन्हें CHC की एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ ही कार्रवाई की गई। कई दिनों से उनकी शिकायत लिखित और मौखिक रूप से शिकायत पर मिल रही थी। इसमें ये संज्ञान में आया और इसकी सूचना जिलाधिकारी को दी गई। मौके पर जिलाधिकारी की टीम के साथ पहुँचे और संयुक्त रूप से एक संयुक्त टीम द्वारा इन अवैध चल रहे नर्सिंग होमों पर छापेमारी की गई। मिर्जापुर जिले के अतरौली कला गांव में सावित्री देवी की हत्या के मामले में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। परिवार ने मामले में कई प्रगति शिकायत की, जिसमें मंत्री नाराज हो गए। उन्होंने फोन से अधिकारियों से बात की और कहा कि वो मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। मंत्री ने अंधेरे में टॉर्च की रोशनी परिवार से मुलाकात की और मामले में लापरवाही मानते हुए अनदेख सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जलौन के कोच कोतवाली क्षेत्र में मच्छरों से बचाव के लिए लगाई जा रही अगरबत्ती से गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लग गई। आग तेजी से फैल गई और सिलेंडर फट गया, जिससे घर की छत उड़ गई और मलबे में दबकर मां और बेटे की मौत हो गई। पिता और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजा। श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र के सचोली गांव में बहू की तलाश में मायके गई सास की मौत हो गई। मृतक महिला के बेटे ने अपनी पत्नी और ससुर पर मां की हत्या का आरोप लगाया है और थाने में तहरीर दी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल का जायजा लिया। झांसी के मऊरानी कोतवाली क्षेत्र में श्रद्धालु से भरी हुई एक टैक्सी अनियंत्रित होकर पलट गई, तो वही दुर्घटना में एक लड़की की मौत हो गई। साथ ही कई सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनमें कुछ को गंभीर हालत होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर किया गया। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जिहादी द्वारा धर्म के नाम पर महिलाओं, बच्चों और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की जा रही है। 124 जिहादियों द्वारा एक महिला का रेप किया गया, बच्ची की हत्या और मंदिरों को जलाने की घटनाएं चिंताजनक हैं। इस पर सामाजिक संगठन और महिलाओं का गुस्सा फूटा है। बरेली के भूता ब्लॉक के ग्राम खजूरिया संपत में ग्राम विकास अधिकारी और उनके सेक्रेटरी द्वारा प्राइवेट दलालों के जरिए गरीबों से धन उगाही की जा रही है। एक पिता ने अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सेक्रेटरी दिवाकर से संपर्क किया, जिन्होंने 2000 की मांग की। पीड़ित ने 1500 की व्यवस्था की, लेकिन दस्तावेज नहीं दिया गया। 4 गाँव के प्रधानों ने भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।